स्कूटी की राइड लेने के लिए जा रही हूँ। लोग बाल देगी स्कूटी लेके आए। कौन सी स्कूटी है? एक्टिवा। एक्टिवा गाड़ी लेने के टाइम पे तुम लोग स्कूटी खरीद रहे हो? गाड़ी बाइक खरीदते यार बजट नहीं है हमारा। तुमने मेरी वाली क्यों ना ली है? पता नहीं, डिजिटल मीटर भी ना है। बताओ मेरी स्कूटी पे मुझे ही घुमाने जा रहा है। मेरी शक्ल ही बहुत बुरी आ रही है। अच्छी नहीं लग रही? मजा नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा? अरे अपनी चला के कहाँ सिंपल में मजा। तो मेरी तो बहुत भक्ति है। और आंटी ठीक हो? हाँ व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग है अपनी नई स्कूटी का। कहाँ जा रहे हैं वैसे? हम पार्क अराउंड वाले में जो कि हमने ले लिया। आप खुद बताओ कि नई स्कूटी है इसमें यहाँ पे मीटर होना चाहिए था वैसे वाला ऑटोमेटिक वाला। और यहाँ पे DRL तो आजकल हर कोई देता है, ये क्यों लगा के दिए भाई? इसका क्या करेंगे? ये तो दिन में जलती हैं। मतलब ये नहीं जलती है, मतलब DRL पूरे दिन जलते हैं जब भी आप स्कूटी चलाते हो। विजिबिलिटी के लिए होते हैं। क्या फ़ायदा? 125,000। हाँ तो 5,000 रुपये में DRL लग जाते। मेरी वाली मेरे से पूछ लिया होता ना तो अच्छी स्कूटी दिलवाती तुम्हें, इसे चलाने में मज़ा आता। इसे क्या मजा आ रहा है? तो इसलिए मुझे ज्यादा वो भी नहीं। तो तू नहीं चलाती है तो जो लोग चलाते हैं मैं तो उनके लिए बोल दूं। वो भी सिंपल ही। गाइस मजा नहीं आया। अच्छी भी मैंने नहीं ली, मैंने बढ़िया वाली ली है। जल्दी चलो ऊपर चलो बेटी। स्कूटी की बेइज्जती कर दी है तो अब ये नहीं खाएगी। मैं तो खाऊंगी। तू अब ले आई है हमारे घर में, एक बार जो चीज एंटर हो जाती है फिर वापस नहीं जाती है। नहीं जाएगी वापस। चल कटोरी प्लेट ले गया, रसमलाई खिला मुझे। चलो लूट जाओ, कटोरी प्लेट लेके आओ। जेरी यार क्या लोग हैं यार, एकदम पागल लोग हैं। हमारे घर में तो कटोरी प्लेट ही नहीं है। आंटी आएंगी तभी मिलेगा, जो भी मिलेगा। मेरा काम तो हो ही जाएगा इतना। जेरी इसमें भरेंगे रसमलाई अब हम। आ जाओ जेरी। ले डाल तो देगी ना। गुड, भगवान करे तू गाड़ी ले और मुझे कहीं बाहर लेके जाए फिर ट्रीट के लिए। तेरी गाड़ी मैं चला लिया करूँगी, ठीक है? जब तुझे कहीं भी जाना हो ना तो मुझे बता दियो, मैं तुझे लेके चल लिया करूँगी। मैं जब ड्राइवर रखूँगी तो तुझे रख लूँगी। हाँ मुझे रख लियो। एक ही दी है स्कूटी की बेइज्जती करने पे, मैं तुझे देती हूँ। चल कोई नहीं, तेरा भी मुँह मीठा कराती हूँ। ले तू भी खा, क्या याद रखेगी कितने अमीर आदमी से तेरा पाला पड़ा था। अच्छी पानी पानी पिलाया रसमलाई तो मैं घंटा किसी को ना दूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबू ये आपकी नहीं। मेरी जारी का मुंह मीठा कौन करवाएगा, है ना? ओफो गाइस देखो मैं बहुत ओफो गाइस काट दियो यार, ठीक है? सो हम ना मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। और कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं हम? तू झूठी मैं मक्कार। तू झूठी मैं मक्कार। और सडनली हमारा प्लान बन गया। मैं आई थी इसको स्कूटी की मिठाई खिलाने, इसने मुझे ऑफर किया कि चल तुझे मूवी दिखा के। नहीं गाइस ये मुझे मूवी दिखाने लेके जा रही। नहीं बिल्कुल झूठ है, पार्टी है। बिल्कुल झूठ है, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ताकि रेडी हो जाओ है ना। और हम थोड़ा सा लेट हो गए और ये टाइम से रेडी थी। कोई नहीं होता है यार, थोड़ा बहुत लेट में चलता है। 2 घंटे की मूवी है। खाना तो हम बाहर से खा के आएंगे, जब हम लेट नाइट मूवी देख रहे हैं तो खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा ना। 10 बजे मतलब 10 बजे घर के अंदर। अरे ऐसे कैसे, हम डिनर नहीं करेंगे क्या? मैंने फाइनल कर लिया है कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं अपने घर ही जाऊंगी। अबे खाना ऑर्डर करेंगे जोमेटो से, इतने घर पहुंचेंगे इतने खाना आ जाएगा हमारा। अच्छा ठीक है, मस्त खाना वाना खाएंगे। खाने का टाइम नहीं मिलेगा, बीच में पॉपकॉर्न ही मिलेंगे खाने के लिए, अंदर और कुछ नहीं मिलेगा। सो सैड। कोई नहीं, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं 1-2 फोटो शूट कराऊंगी अपना और मैं इंस्टा पे लगाऊंगी। आप तो बहुत प्रीटी लग रही हो। ज्यादा भी नहीं लग रही। तूने इसकी कितनी तारीफ हुई? हाँ मैंने बताया कि आज तेरी मम्मी ने इसकी बहुत तारीफ की है कि मैं तो उनसे कहा था कि उसके सामने बोल देना 2-3 बार। हमेशा स्ट्रॉन्ग तभी रहते हैं जब उनमें हो फ्लेक्सिबिलिटी भी। शाम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT हो फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग।
तो घर हमेशा के लिए। तो गाइस आज हमने मूवी देखी फाइनली तू झूठी, क्या तू झूठी मैं मक्कर ना, हाँ तू झूठी मैं, काफी अच्छी मूवी थी, वन टाइम वॉच है और सबको देखनी चाहिए। तो तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा, मजा आया? मत चॉकलेट देना, मैं डाइट पे हूँ। मैं डाइट पे हूँ गाइस, मैंने कुछ नहीं खाया है। एक टोकरा भर के पॉपकॉर्न, जो भी आ गई उसमें माइनस वन कर देना। माइनस वन ही नहीं आ रहा है, 70 बार रोक दिए हमने और अब हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अरे इन्होंने हमारे 40 रुपए की पर्ची काटी थी गाइज, ये लड़की ना इतनी सज के आई है, इसकी वजह से 10 मिनट की मूवी निकली है हमारे। कहाँ लगाती है फिर, सड़क पे कहाँ, कोई नहीं उठाता, और किसी दिन उठा के ले गया फिर कोई नहीं, हम 40 रुपए खर्च कर लेते हैं बट हम रिस्क नहीं लेते। कल मैं अम्मा कैफे गई और वहाँ पे पार्किंग नहीं मिली, मैं वापस आ गई। गाइज रिस्क नहीं लेना चाहिए यार, 10-20 रुपए के चक्कर में ले जाए कोई टो करके फिर क्या कर लोगे तुम, ये थोड़े ना होता है। अबे किसी और दिन पहन लियो, पता नहीं ऊपर से मसाला आया, ये पता नहीं कैसे हो गया, समझ से बाहर है मेरी भी। गाइस अब हम चलते हैं घर, क्योंकि घर पे आज हमें मिलेंगे शोले सुनने के लिए, मजा आएगा। नहीं सुनाएंगी मम्मी, नहीं सुनाएंगी, तू बचाएगी। कह रही है बेटा खाना छीक दिया यार इसने मेरी नाक पे। अच्छा अपने एक्सपीरियंस बताओ जल्दी, मूवी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, मस्त थी, मस्त। तू हंसी तो है ना इतनी जितने तूने हाथ बना के, मूवी में नहीं हंसी, मुंह बंद करके हंसी थी। और पागल हो गए थे, अभी हंस रही है तो मुंह बंद करके ही हंस रही है। मैं तो मुंह खोल के, दोनों कपल जो थे पवित्र होती है। गाइज यार हम घर तो आ गए थे बट हम एकदम चोरी छुपे आए हैं, क्योंकि हमारे घर वाले सो चुके हैं तो उनको नहीं पता हम ऊपर हैं। मतलब पता तो है यार, मतलब ऐसे नहीं पता कि हम ऊपर हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने खाना ऑर्डर करा, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कितने दबे पाँव लेके आएंगे हम जाके। उसे मैं कॉल करके बोली कि भैया घंटी वंटी मत बजाइए वरना हमारी घंटी बज जाएगी, रात में घंटा बज जाएगा हमारा। जब हमारे घर में कैमरे नहीं थे ना तो हम रात में खाना ऑर्डर करते थे, बट एक दिन हम पकड़े गए रात में खाना मंगाते हुए। जो नारी बैठी हुई है इसको रील बनानी है, रात के 12 बज रहे हैं, इसे रील बनानी है, कह रही बाहर चल रील बनानी है। अब पता नहीं बाहर कहाँ जाना चाहती है, पता ना बाहर कहाँ जाना चाहती है, लंदन में ना रहती है तुम। ऐसे बनाएगी, चल इसे बनानी है। अच्छा तो तू जाना बाहर फिर कैसे बनाएगी, मैं तो पूछ रही हूँ। यहाँ पे बना लूँगी मैं तो, यहीं पे बना लेगी, मैं लाइट जला देती हूँ सारी। वेट एंड वॉच, ठीक है इतनी रोशनी काफ़ी है कमरे में, वरना बाकी ये स्टोर रूम में भी बना सकती है इफ़ यू वांट, अगर कुछ जगह चाहिए ज़्यादा तो। चल खड़ी हो बना, ये रील के चक्कर में ही ये कपड़े पहन के आई थी ना, है ना, और कोई रीजन नहीं था ना इसके कपड़े पहनने का। फाइनली खाना आ गया है हमारा, बड़े तवे पाओ एकदम नंगे पैर जाके लेके आई मैं नीचे से, और फिर भी डिले हुआ। बालक हूँ उसमें मैं, देखा मैंने कहा था ना ये नहीं साए, कहाँ से जा रहा तो क्या हो गया, गर्मी हो रही है तो। दबे पाँव जाते हुए ये लड़की बाहर, अरे खोल ले इतना तो, मैंने नीचे का गेट खोलने में देर न लगाई, पूरा खोले ये दोनों। रोटी सब्जी पनीर 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 खाएंगे और फिर सो जाएंगे, और सुबह जाएंगे जिम भसक के अच्छी तरीके से।
जब भी तो कुछ निकालने में मजा आएगा ना, खून पसीना बहेगा तो दिखेगा तो कि हाँ पनीर खाया था, उसके साथ में रोटी खाई थी, बटर नान, तभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ था। बात बताऊँ, चम्मच प्लेट कुछ नहीं है, जो है बस यही है। और उसमें से भी मैंने कटलरी सेलेक्ट नहीं करी कि हाँ भेज देना हमारे लिए। खैर भेजते भी क्या, चम्मच ही भेजते वो ज़्यादा से ज़्यादा। नीचे हम जा नहीं सकते, मज़े की बात यह है। आपके साथ भी होता होगा वैसे ये आपके घर में कि सब सो गए और आप जगे हुए तो मिडनाइट क्रेविंग कैसे ख़त्म होती है? फिर सब भी हुआ कब तो कुछ ना कुछ तो इसमें से जुगाड़ करके। अच्छा, हम तो फ्रीज तक भी नहीं जा सकते, जब जाएंगे सब मतलब गेट ही नहीं खुलेगा तो जगेंगे तो कहीं, तो हम पता है जुगाड़ करके रखते हैं, जाल खोलिए तो जुगाड़ करो। ऐसे ही दोस्त पहले भी हंसले तो मैं ऐसी ही थी। अच्छी नहीं लग रही नहीं झुर्रियाँ बाहर आ गई ना तेरी, अब भी क्या अंदर चली जाएंगी? दो बार ऐसे करी, बटन है तेरे पास ऐसे करी। खाना खोल ले, पता है चम्मच वम्मच नहीं है, नीचे मत रखे अखबार। अखबार नहीं है ना, अखबार भी नहीं है, है तो नहीं वैसे। क्यों जेरी क्या करती है? जेरी तो सो रही है, जेरी तो सो चुकी है। अखबार तो मिल गया, मतलब फाइनली पेपर तो मिल गया। इसमें क्या क्या रोटी है इनमें सब में? तो हम इतनी सारी रोटी खाएंगे, मतलब खाई जाएंगे मेरे हिसाब से तो। गाइस रात में सैंडविचेस नहीं खुलता है, आप खाएगा खाते हैं मूवी लगाएंगे और सो जाएंगे। चलो बाय बाय, गुड नाइट।